अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से ओके। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल सुबह सुबह से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया मैंने, और आज मैं ज़ीनिया को लंच बॉक्स में देने वाली हूँ पिज़्ज़ा पराठा। ऑलमोस्ट 80% आप कह सकते हो कि चीज़ें जो है ना वो मैंने पहले से रेडी कर दी थी और बस अभी बनाना रह गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, ऑयल में मैं डाल रही हूँ चिकन। रात को मैंने जो थाई पीस है उसको मैंने बॉयल करके रख दिया था। थाई पीस का जो गोश्त होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और बस उसको मैंने हल्का सा इस तरह से तोड़ दिया था, रेशेदार सा बना दिया था चिकन को। और थोड़े से ऑयल में चिकन डाला, पहले हल्का सा सॉटे किया था लाइक कुछ एक मिनट के लिए शायद, और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था पिज़्ज़ा सॉस। अंदाजे से डाला था ऑलमोस्ट 4 to 5 tablespoons, इतना डाला था कि बस जब हम इसकी हल्की सी इसको भूनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो जाए। उसके बाद मैंने चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने इसके पेड़े बना लिए थे रोटी के, और जब चिकन अच्छे से ठंडा हो गया था ना तब मैंने इस पे डाला था रोटी के ऊपर। और सारी जो वेजिटेबल्स थी जो मैंने रात को कट की थी वो भी मैंने इसमें डाल रही हैं। वेजिटेबल्स बहुत छोटी छोटी मैंने कट की थी। ज़ीनिया वैसे नॉर्मली प्याज नहीं खाती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ प्याज और कैप्सिकम था इसमें। और चीज़ जो है ना वो मैंने शेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स करके इसमें डाले थे, और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो वगैरह भी डाल सकते हैं। ऑरिगैनो मेरे पास था नहीं इस वक्त, और चिली फ्लेक्स जो है वो ज़ीनिया मैंने कहा स्पाइसी हो तो ये ना नखरे करे सुबह, तो फिर इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स नहीं डाले। और रोटी को ना पहले सबसे पहले तो हाथ से जितना हो सके आपने बड़ा करना है, और उसके बाद बस हल्के हाथों से जो है वो फिर बेल लेना है। और यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिया था पराठा तवे पे बिल्कुल मीडियम से लो हीट पे इसको मैंने बनाया था, और जब अच्छा सा कलर आ गया था तो मैंने इसको निकाल दिया था। ये थी फाइनल लुक, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और लंच बॉक्स में ज़ीनिया के लिए मैं आज दे रही हूँ फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज़। मुझे कुछ दफ़ा ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आप हमेशा ज़ीनिया के लिए इसी तरह इस्तेमाल करती हैं, तो ज़ीनिया जब से स्कूल जा रही है ना हमेशा 3 से 4 आइटम्स लाजमी ही होती हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं लेट उठी हूँ या रात को मैंने चीज़ें नहीं रेडी की, तो बहुत सिंपल चीज़ें जैसे नट्स के साथ दे दिए मैंने, ब्रेड के ऊपर न्यूट्रेला लगा के दे दिए, सारे नट्स दे दिए, इस तरह का बहुत सिंपल होता है। लेकिन हमेशा 3 से 4 जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं ज़रूर इसको देती हूँ लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स में इसको मैंने सिर्फ 3 ही पीस दिए हैं पराठे के, और जो पराठा बच गया था वो मैं इसको दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में। दूध साथ दिया है और ये है इसका ब्रेकफास्ट। तो बस सीनिया जा चुकी है स्कूल, मंजूर जा चुकी हूँ ऑफिस, और मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। पराठे के लिए जो मैंने चीज़ें रेडी की थी सबको एक ही बॉक्स में रख के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और शाम को मैंने ज़ीनिया के लिए इनका ब्रेड जो पिज़्ज़ा होता है ना वो बना के दिया था, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और सारे जो बर्तन है ना जितने भी गंदे थे उनको मैंने जमा कर दिया है, सिंक में रख दिए कुछ बर्तनों को, और बस इनको अभी वॉश नहीं करी, आराम से चाय पीने के बाद जो है वो इनको वॉश करूँगी। मंसूर के लिए मैंने पराठा बना दिया था, उनका मूड नहीं था पराठा खाने का, तो जो है मैंने बस अब वो जो पराठा है ना वो मैं खाने वाली हूँ, तो बस जल्दी जल्दी मैंने चाय बनाई थी अपने लिए ताकि पराठा बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। और बस ये था मेरा ब्रेकफास्ट। और बस मैंने ब्रेकफास्ट किया था उतने में इलियाना उठ गई थी, इलियाना को ब्रेकफास्ट करवाया, और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ रूम्स में। वीकली क्लीनिंग करने वाली थी, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो वीकली बेस पे होती हैं, कुछ अल्टरनेट वीक्स पे होती हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अगर हम लोग वीकली या मंथली बेस पे क्लीनिंग करते रहे ना तो जो डेली क्लीनिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं और कोशिश करूँगी कि जितना हो सका मैं शूट करूँगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है इतने सालों से हम लोग इसी रूटीन पे चल रहे हैं,
तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो जल्दी जल्दी जो है ना सारा कुछ चल रहा होता है, क्लीनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब कैमरा लग जाए तो फिर जो है जाहिर सी बात है फिर बार बार कैमरे के एंगल चेंज करना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जितना हो सका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और जो इलियाना है वो फुल टाइम हर टाइम मेरे साथ होती है, कहीं पे भी किसी जगह भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। और यहाँ पे इसने बाहर बर्ड्स देखे थे तो उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है। What happened? Birds are going to home. Birds are going to home. तो सबसे पहले जो है ना क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की थी अपने रूम से, बेडशीट सबसे पहले मैंने चेंज की। हफ्ते में एक ही दफ़ा मैं बेडशीट चेंज करती हूँ घर की। और उसके बाद जो है ना मैंने मिरर्स क्लीन करना स्टार्ट किए थे। बाकी जो मिरर्स हैं वो वीक में एक ही दफ़ा क्लीन होते हैं या अल्टरनेट वीक्स में क्लीन होते हैं, लेकिन ये वाला जो मिरर है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको जो है ना मुझे वीकली बेस पे और कभी कभी दरमियान में भी क्लीन करना पड़ता है। मिरर्स वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। यहाँ पे बेडशीट्स मैंने चेंज करनी थी। नॉर्मली क्या होता है, मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी जो रूम्स हैं उसमें जाती हूँ, और लास्ट वीक में अपने रूम में जितने भी ड्रेसिंग टेबल में जितने भी ड्रॉर्स थे और जितने भी वॉलड्रॉप्स थे उनको अच्छे से सेट किया था। तो इस दफ़ा जो है ना कम टाइम देना पड़ा मुझे अपने रूम में। तो अब मैं आ गई थी इस कोने में ड्राइंग रूम के, जहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। और लास्ट 2 वीक से मैं ट्राई कर रही थी इनको क्लीन करना, लेकिन पता नहीं क्यों होते होते जो है ना काफ़ी डिले हो गया, और जो लीव्स हैं वो अच्छे खासे गंदे हुए हुए थे, काफ़ी डस्ट थी इनके ऊपर। यहाँ पे मैंने वेट वाइप्स ली हैं और बहुत जेंटली जो है एक एक करके मैं सारे लीव्स क्लीन कर रही हूँ। जो प्लांटर है ना वो भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, और उसके नीचे जो मैंने प्लेट रखी हुई है क्योंकि पानी इसमें डालते हैं तो नीचे पानी आता है, तो प्लांटर भी गंदा हुआ हुआ था, उसकी प्लेट भी गंदी थी, उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। पीछे बैक साइड पे मैंने कुछ वायर्स रखी हुई हैं ग्रीन कलर की बास्केट में। बास्केट पर रखने की वजह से ना जो वायर्स हैं ना बहुत मैसी नहीं लगती, तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके इनको वायर्स को अच्छे से सेट कर दिया अंदर। जो प्लांटर है ना वो भी काफ़ी डस्टी हुआ हुआ था, उसको पहले मैंने डस्ट उसकी क्लीन की, उसके ऊपर जो है ना मैंने पेंट कर दिया। मैंने हमेशा घर में ब्लैक पेंट और वाइट पेंट रखा होता है, और अच्छे से बस सारी चीज़ें जो है ना डस्टिंग कर दी अच्छे से। और अगर हम लोगों ने ना घर में कोई हेल्पर रखा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है, छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करना, और जैसे हम लोग दिल से काम करते हैं ना, दिल से हर कोने को साफ़ करते हैं, वो लोग उस तरह नहीं क्लीन कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना हमें ही करनी होती हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। और ये जो मनी प्लांट है ना ये भी काफ़ी लंबा हुआ था इसके स्टेम्स, तो बस मैंने स्टेम्स वगैरह कट किए हैं और इनको मैं अब प्लांट में किचन में जो है ना पानी में लगा दूँगी। इलियाना स्टार्टिंग में वॉल्स पे बहुत लिखा करती थी, लेकिन शुक्र है उसने अब जो आदत है ना काफ़ी टाइम से छोड़ दी है। तो ये वाला जो पैच है ना काफ़ी पुराना, यहाँ पे इसने स्क्रिबलिंग की हुई थी पेंसिल से, सो मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से कवर कर लेती हूँ पेंट से। और अपनी किसी पुरानी वीडियो में भी मैंने पेंट किया था, तो किसी ने कमेंट किया था तो कैसे हो सकता है ये कि आप जो है ना घर के काम भी करें और घर के पेंट भी करें। तो पेंट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे घर का मैं पेंट कर रही हूँ, सिर्फ वाला जो एरिया ना थोड़ा सा एरिया जहाँ पे इलियाना ने लिखा हुआ है मैंने सिर्फ उसी को कवर किया है। हमारे घर में जितने भी ब्लैक पॉट्स थे ना पहले, तो मैंने उनको पॉट्स पे एक पेंट कर दिया था, और इतने में इलियाना आ गई थी। इलियाना हो ही नहीं सकता कि पेंट में मेरी हेल्प ना करे, तो वो स्टार्ट हो गई थी कि मैंने भी आपकी हेल्प करनी है। और उसके अलावा उसके बाद बस मैंने डस्टिंग कर दी पूरे घर की, जो स्पेशली जो बहुत ही निगलेक्टेड एरियाज़ थे ना जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं डस्टिंग की थी, उनको मैंने डस्टिंग की अच्छे से। और ये जो वाइट सोफ़ा है इसको भी मैंने वॉश करना था इनके कवर्स वगैरह निकाल के, तो मैंने सोचा कि बस इनको निकाल लेती हूँ। इनकी जिप वगैरह लगी हुई थी, मुझे लगा कि आसानी से जो है ना ये रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने इनको रिमूव करना स्टार्ट किया ना, तो इनके अंदर स्टिच हुआ हुआ था, लाइक लाइट सी स्टिचिंग थी लेकिन थी स्टिचिंग। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इनको रिमूव तो कर लूँगी, लेकिन वॉश करने के बाद दोबारा से मैं स्टिच नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीक है काफ़ी बिजी है। सो मैंने सोचा कि इनको फ़िलहाल जो है ना इसी तरह दोबारा से बंद करके रख लेती हूँ, और
जब कभी फ्री टाइम होगा ना तो तभी मैं इनको करूँगी। और बस उसके अलावा जो कुशन्स हैं वो भी मैंने आज वॉश करने थे। कुछ कुशन्स जो है ना उनके कवर नहीं उतरते तो उनको इसी तरह से वॉश करूँगी। कुछ जो है कुशन्स जिनके कवर उतरते हैं तो उनके कवर्स वगैरह उतार के बस कवर्स को ही वॉश करने वाली हूँ। और पीछे आप जो देख रहे हो ना ब्रशेज और वाइपर, पता नहीं क्यों इलियाना को इतने ज़्यादा ये पसंद है। सुबह से तकरीबन 4-5 दफ़ा मैं वॉशरूम में रख चुकी हूँ और इलियाना जो है उनको निकालती है, उनके साथ खेलती है और पीछे सजा के उसने रखे हुए हैं। तो खैर यहाँ पे जो कुशन्स वगैरह थे उनको मैं अब लेके जा रही हूँ वॉशरूम में। इनको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दूँगी, फिर शाम को आराम से ही इनको वॉश करूँगी। और लास्ट में ना जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं उनको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। इनको वीकली बेस पे मैं क्लीन ही करती, बस अल्टरनेट वीक्स पे या महीने में एक दफ़ा ही क्लीन करती हूँ क्योंकि इतने ये गंदे नहीं होते हैं। और क्लीन करने के लिए सिंपल मैंने वेट वाइप्स लिए हैं, बहुत ईजीली जो है ना ये क्लीन हो जाती हैं वेट वाइप्स से अगर क्लीन करो इनको तो। और मुझे याद है जब मैं इस घर में आई थी ना तो ये जो स्विच बोर्ड्स थे वो बिल्कुल ब्लैक थे। मुझे लगता है जो हमसे पहले रहते थे उन्होंने शायद कभी भी इनको क्लीन ना किया होगा। तो खैर बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।